देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने नए टैरिफ प्लान आज से लागू कर दिए हैं। इस नए प्लान के चलते ग्राहकों के खर्च में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, लेकिन ग्राहकों को इससे भी बड़ा झटका कंपनियों ने इनकमिंग कॉल पर दिया है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 2-3 तिमाहियों में मुफ्त इनकमिंग कॉल का दौर पूरी तरह समाप्त हो सकता है। SBI कैपिटल सिक्योरिटीज़ के मुख्य शोधकर्ता राजीव शर्मा ने कहा कि पहले जियो के अन्य नेटवर्क पर कॉल करने पर IUC चार्ज के तहत 6 पैसे प्रति मिनट वसूलना शुरू किया और अब वोडा, आइडिया और एयरटेल ने भी FUP लगा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वॉइस कॉल की कीमतें फिर से पूरी तरह वापस आ गई है। ये फिलहाल 0 तक नहीं जा सकती क्योंकि कंपनियां इसके लिए FUP और ऑफ नेट का इस्तेमाल करती है। संभव है कि दूरसंचार कंपनियां अगले 6 से 9 महीने में अपने नेटवर्क पर भी कॉलिंग शुल्क वसूलने लगे और मुफ्त इनकमिंग कॉल का दौर पूरी तरह खत्म हो जाए। ऐसे में जियो के ग्राहकों को थोड़ी राहत मिल सकती है। जैसा कि ये सभी जानते हैं कि देश भर में जियो के यूजर्स सबसे ज़्यादा हैं, जिनमें से 90% ग्राहक प्रीपेड हैं। इसके चलते नए टैरिफ प्लान का कम शुल्क बढ़ाकर भी कंपनी बड़ा मुनाफा कमा सकती है। वहीं दूसरी ओर वोडा, आइडिया और एयरटेल के कुल ग्राहकों में करीब 30% पोस्टपेड हैं और कंपनी ने इस सेगमेंट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।